हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सेंट किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए व्रत में खाने वाले पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम सामान में ये बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। इसको दही के साथ या व्रत में खाने वाली चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आपको चटनी की रेसिपी भी इसमें शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, चटपटी सी है। और व्रत में जब कुछ मीठा मीठा खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। 1 कप समा राइस, 1 अच्छे से वॉश कर लें पानी डाल के, 2-3 पानी में वॉश कर लीजिएगा इसको। 3 चम्मच घी डालेंगे इसमें कढ़ाई में, 1/2 स्पून जीरा, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 2 इलायची, उसका माउथ ओपन कर दिया है, 1/2 इंच अदरक बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 छोटी आलू है उसको टुकड़ों में काट लिया है छोटे छोटे, थोड़ी सी अदरक है बारीक बारीक चॉप कर ली है, कुछ करी लीव्स हैं, 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद 1 मीडियम साइज का टमाटो है बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसको ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार, ये सेंधा नमक है। 2 मिनट इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें धुले हुए राइस, जो समा राइस है, उसको डाल देंगे। 1.5 कप पानी, 1/2 कप। अब इसको ढककर हम जब तक कुक नहीं हो जाता तब तक इसे पकाना है हमें, तो गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा। जब तक पुलाव बन रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। 1 मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डाल देंगे पुदीना लीव्स। जितने हमने पुदीना लीव्स लिए हैं उससे डबल क्वांटिटी में हमें धनिया लेना है। पुदीना के लीव्स थोड़े कम रखने हैं, धनिया 1/2 इंच, अदरक का टुकड़ा, 3 ग्रीन चिली, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और कम पसंद है तो कम डालिएगा, 1 स्पून छोटी स्पून भुना जीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सेंधा नमक है, 1 लेमन का जूस, थोड़ा सा पानी, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी बनकर रेडी है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गया है, हमारा पुलाव भी बनकर, ये देखिए बिल्कुल खिला खिला हमारा पुलाव बनकर रेडी है। पुलाव को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, एक बार जरूर बनाइएगा, चटपटा सा। मैंने इसमें चिली का, ग्रीन चिली का यूज नहीं किया है, आप यहाँ पर ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। ये हमारा व्रत में खाने वाला पुलाव बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। चटनी के साथ बनाइए, दही के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, साथ में सैलेड लीजिए, बहुत ही यमी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसको बनाएं और इंजॉय करें। मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।